आप सब जानते हैं कि 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। हम सबको इसे महापर्व के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक बूथ तक हम 200 से अधिक सदस्य बनाना चाहिए। इसके लिए हमारे बूथ के समिति को भी एक्टिव करें और बूथ समिति के साथ में युवा मोर्चा और सभी मोर्चे, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सारे मोर्चे, प्रकोष्ठ सभी मिल करके और हमारे यहाँ जो बूथ का अध्यक्ष है उसके साथ संपर्क करें। शक्ति केंद्र के संयोजक ये सुनिश्चित करें, उनको प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और उनके साथ में जाकर के रोजाना चर्चा करें, नियमित रूप से साथ में बैठे, बूथ अध्यक्ष के साथ में बैठ करके और घर घर तक संपर्क करने का काम करें। हमारा पन्ना प्रमुख भी उनके साथ में जाए, जितने घर तक आज संपर्क किया कल उसके आगे से संपर्क करें। यह व्यवस्था हमको सुनिश्चित करनी है, किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। ये आप सब जानते हैं कि हमारे विरोधी भी हो, उसके पास भी हम गए, वो नाराज हो तो हमको उससे संघर्ष नहीं करना है, बहस नहीं करना, बिना बहस किए उसको ये प्रेरित करने का प्रयास करो, उनको समझाने की जरूरत करो कि आज देश में किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत होने की क्यों आवश्यकता है। उनके साथ आप चर्चा करेंगे, बैठेंगे, वो सवाल करें, आप प्रेम से उनका जवाब दो, उलझना नहीं, बहस नहीं करना, प्रेम से जवाब दो, स्वीकार करे कोई दिक्कत की बात नहीं, सदस्य बना लो, और स्वीकार नहीं करे कोई बात नहीं, प्रेम से अच्छा भैया आज नहीं हम कल मिलेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर, कह करके आप आगे निकल जाओ। ऐसे करके सब सबके साथ संपर्क करो और अधिक से अधिक सदस्य बनाओ। और आपको पता है कि सदस्य बनाने के लिए 2 तारीख से जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी सदस्य बनेंगे, हमारे नड्डा जी उनको सदस्य बनाएंगे, नड्डा जी बनेंगे, सभी को सदस्य बनना है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 6 वर्ष के बाद ये व्यवस्था आती है कि हमको नवीनीकरण करना है अपने सदस्यों का। हम सबको सदस्य बनना है, मुझे भी बनना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बनना है, सबको सदस्य नए सिरे से बनना है। तो इसमें आप जो 8800002024 ये डायल करेंगे, डायल मिस्ड कॉल होगा, मिस्ड कॉल के बाद में एक लिंक खुलेगा, उस लिंक पर आप खोलेंगे तो एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म पर आप जो उसमें चाहा गया है, नाम, पिता का नाम, जेंडर, आपके एड्रेसेज, एड्रेस भी पूरा भरें, वार्ड संख्या, बूथ संख्या, पहले आएगा लोकसभा, लोकसभा के बाद आएगा विधानसभा, विधानसभा भरने के बाद में आएगा आपका भाग संख्या, भाग संख्या में आगे आएगा आपका मतदाता क्रमांक संख्या, तो वो सब आप उसमें भरते जाए, जैसे जैसे उस फॉर्म में मांगा जाएगा वो भर देंगे। भरने के बाद में आपका अपना नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, लिंग भरेंगे, ये सब आप उसमें एंट्री करते जाएंगे। फिर उसके बाद में एक विशेष एक उसमें विवरण लिखने का भी है कि आप MA है, MBA है, BTech है या क्या है, वो आप उसमें भर देंगे, डॉक्टर है, जो भी विशेष आपने कोई डीफिल किया, कुछ भी किया है वो आप उसमें भरेंगे, तो ये सारी आप भर देंगे और तो QR कोड आएगा वो आप दे देंगे, उसके बाद आप सदस्य बन जाएंगे। तो ऐसा एक प्रत्येक सदस्य से करवाना है, ये पहला चरण होगा अपना। पहला चरण पूरा करने के बाद फिर दूसरे चरण की बात करेंगे कि जिसके पास मोबाइल ऐसा नहीं है, जिसमें कि ये सब खुलता नहीं है, तो उसका तरीका दूसरा होगा, उसको फॉर्म पर सदस्य बनाने का एक, उसके लिए हम सजीव संपर्क करेंगे, व्यक्ति से उससे मिलेंगे, ये दूसरा चरण आएगा तब की बात करेंगे। लेकिन प्रत्येक सक्रिय सदस्य को 100 कम से कम साधारण सदस्य बनाना है। और ये देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि आपके लिए वरदान है, इसके माध्यम से आप आम नागरिक तक पहुंच जाओगे, आम घर तक पहुंच जाओगे, आपकी वोटर लिस्ट चेक हो जाएगी, इस बहाने आप जब संपर्क करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा व्यक्ति का नाम ही नहीं है मतदाता सूची में, ये भी आपको पता चल जाएगा, तो उसका जुड़वाने का काम भी आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा वरदान है हमारे लिए, तो ये बहुत इसका लाभ हम सबको लेना चाहिए। मैं कहता हूँ MP को बढ़ना चाहिए, MP को जाना है, MLA को जाना चाहिए, हम सबको, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, मिनिस्टर को भी, सबको जाना है, सबको जाकर के, और ये महासंपर्क अभियान है और इस पर्व को हम मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं
और ये हमने तय किया है कि राजस्थान में 51,613 बूथ है, तो प्रत्येक बूथ पर हम 200 सदस्य बनाएंगे, कम से कम 200 हमको बनाना है। तो 1,67,00,000 मैं सोचता हूँ कि हम सदस्य इसी हिसाब से बना देते हैं, कहीं पर हम ज़्यादा बनाएंगे। ऐसा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि हम 1,25,00,000 सदस्य राजस्थान में बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये हमको करना है पूरा, तो इसको हम लाभ लें प्रत्येक जनप्रतिनिधि को। यदि वो जनप्रतिनिधि है तो उसके लिए वरदान है, इस मौके को चूकना नहीं है। मैं युवा नेता